पदार्थों के पृथक्करण विधियों में अपकेंद्रण एक विधि है। अपकेंद्रण विधि में द्रव पदार्थ के भिन्न भिन्न अवयवों को पृथक किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि दूध से क्रीम निकाली जाती है, तो ऐसी अवस्था में अपकेंद्रण विधि का हम प्रयोग करते हैं। दूध को हम किसी बर्तन में रखकर या मिक्सी में रखकर खूब तेजी से हिलाते हैं और उसके अंदर घूर्णन गति होती है। अब घूर्णन गति में क्या होगा कि जो हल्की चीजें होती हैं वो केंद्र की ओर भागती हैं और भारी चीजें केंद्र से दूर अर्थात परिधि की ओर जाती हैं। अपकेंद्रण का यही सिद्धांत है। तो दूध में जो क्रीम है ये हल्की होती है, ये केंद्र की ओर यानी जिधर मथानी होती है उधर की ओर आता है, और भारी चीज जो द्रव जिसको हम दही भी कहते हैं वो बाहर की ओर यानी परिधि की ओर जाती है। तो इस प्रकार जब हम रोकते हैं तो मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, केंद्र के चारों ओर तैरता रहता है, इस प्रकार क्रीम अलग हो जाती है। आप ये देख रहे हैं यह एक मथानी है। इस मथानी को दूध मथने के लिए क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। ऐसे घुमाने से दूध में घूर्णन गति और ऊपर पृष्ठ पर वृत्तीय गति जैसी आपको दिखती है। तो अपकेंद्र बल जब लगता है तो अपकेंद्र बल के कारण जो भारी चीजें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं और हल्की चीजें इस मथानी के नजदीक आ जाती हैं, और जो मक्खन होता है हल्का होता है इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरीके से दूध से क्रीम अर्थात मक्खन बाहर निकल जाता है। ये विधि अपकेंद्रण विधि है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, इनको शुद्ध करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है कि पदार्थ के अशुद्ध क्रिस्टल को विलायक में घोलते हैं। जल एक अच्छा विलायक है तो जल में पदार्थ को घोल लेते हैं और पदार्थ का एक संतृप्त विलयन प्राप्त करते हैं। संतृप्त विलयन का क्या अर्थ है कि पदार्थ को विलायक में घोलते जाते हैं, जब पदार्थ घुलना बंद हो जाए तो समझिए कि आपका संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया। इसके लिए ताप की बहुत अधिक भूमिका है, क्योंकि जैसे ताप बढ़ा देंगे यानी वस्तु पदार्थ को गर्म कर देंगे तो अधिक मात्रा में पदार्थ विलायक में घुल जाएगा। तो इसलिए किसी निश्चित ताप पर एक संतृप्त विलयन प्राप्त कर लेते हैं, उसके उपरांत विलयन को ठंडा करते जाते हैं। ठंडा करने पर पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फिटकरी का क्रिस्टलीकरण कैसे किया जाता है। इस बीकर में पानी है और इस पानी में ये फिटकरी है डाल देते हैं। अब देखिए ये फिटकरी पानी में डाल दी गई है और इसको हिलाते जाते हैं, और हिलाने के उपरांत इसको थोड़ा सा गर्म भी कर दें। अब देखिए ये फिटकरी को हम गर्म करते हैं और पानी के गर्म होते ही ये फिटकरी इसमें घुलने लगेगी और इसका विलयन प्राप्त हो जाएगा। संतृप्त विलयन के लिए अगर आवश्यकता हुई तो और फिटकरी भी इसमें डाली जाएगी। अब ये फिटकरी का घोल तैयार हो गया, ये गाढ़ा घोल है, इसी को हम फिटकरी का संतृप्त विलयन कहते हैं। इस विलयन को हम ठंडा करेंगे।
इसके लिए इसको रख देते हैं और ये ठंडा होगा, काफ़ी समय तक ठंडा होगा, और जब अधिक ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल जम जाएंगे जो नीचे आपको दिखाई देंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि हम गर्म करें तो बिना द्रव बने हुए वे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे कुछ ठोस पदार्थ हैं जैसे नौसादर है, कपूर है। ये ठोस पदार्थ ऐसे हैं गर्म करें तो द्रव नहीं बनेंगे, सीधे गैसीय अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात इनकी वाष्प बन जाएगी। इनको पृथक करने की विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आइए देखें हम ऊर्ध्वपातन कैसे होता है। हमारे पास ये नौसादर हैं, ये कपूर हैं। अब इनमें से किसी में हम दूसरी वस्तु नहीं, दूसरा पदार्थ मिला दें जैसे नमक, तो ये नमक है और कपूर, तो कपूर और नमक के मिश्रण को बनाते हैं। इसको हम एक परखनली में डाल देते हैं। अब आप देखते हैं कि इस परखनली में यहाँ पर कपूर और नमक है, इसका मिश्रण है। अब इसको गर्म करेंगे। अब देखिए ये गर्म हो रहा है। अभी देखिएगा कि कपूर की, हाँ ये कपूर की वाष्प ऊपर निकल रही है और ऊपर जमती जा रही है। अगर ये और ठंडा किया जाए तो यहाँ पर जमती हुई नज़र आएगी। अब आप देख रहे हैं कि परखनली का ऊपरी भाग सफ़ेद हो गया और ये सफ़ेद जो पदार्थ इसमें जम गया है यही कपूर है और नमक नीचे शेष रह गया है। आपने देखा कि परखनली के ऊपरी सिरे पर कपूर जम गया है, तो इस प्रकार नमक से कपूर पृथक हो गया। यही ऊर्ध्वपातन विधि है।